तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट जसवंत, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का जसवंत गेमर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे बंदे कॉमेंट करके बोल रहे थे कि भाई आप कोई ऐसा वीडियो बनाओ कि हम राइज स्टार और MA10 के जैसे खेलने लगे। हम कैसे खेल सकते हैं, मतलब ये लोग कैसे खेलते हैं राइज स्टार एंड MA10 ब्रोकन गेमिंग। आप लोग देखते हो B2 के अंकुश, ये लोग कैसे खेलते हैं इतना अच्छा गेम प्ले, हेड पे हेड मारते हैं, बैक टू बैक हेड शॉट मारते हैं, इतना अमेजिंग एंड ऑसम गेम प्ले इनका कैसा है भाई, कुछ सीक्रेट तो होगा, वो हमारे साथ शेयर करो अगर आपको पता है तो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आप सभी लोगों को पता नहीं होंगी इन प्लेयर्स के बारे में। एंड गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि किसी के लिए भी हेट नहीं है, मैं सारे के सारे प्लेयर्स को फॉलो करता हूँ, उनके वीडियोज को देखता हूँ एंड बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, ठीक है। सो गाइज, कोई भी बंदा जो है इस वीडियो को जो दिल पे मत लेना, मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलने वाला हूँ, जो मुझे लगता है वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इनके जैसे खेल सकते हो। सो फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। गाइज, आपका भाई जो है रूटर ऐप पे जो है आ चुका है एंड रूटर ऐप पे जो गाइज वेरिफिकेशन बेज भी मेरे को मिल चुका है। एंड गाइज, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा रूटर एप्लीकेशन की, ठीक है। तो आप लोग जो जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, गाइज इंडिया की बेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। आपको क्या करना है, सर्च के बार पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है टॉप प्रोफाइल्स में जो मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी उस पर क्लिक करके जल्दी से अपने भाई को फॉलो कर लो। गाइज, वहां पे 1K फॉलोवर जैसे ही होंगे तो हम जो है गिव अवे जो है जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो गाइज, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया, हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्ले लाइक MA10 एंड राइज स्टार। एंड गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ। आप लोग बोलोगे भाई वीडियो कब शुरू होगा यार, 3-4 बातें बोल चुके हो, चलो यार एक और सुन लो, ठीक है। गाइज, इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं जो हूँ गाइज बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कहीं आप जो है इन प्लेयर्स की तरह खेलना चाहते हो। आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना, अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जानोगे कभी भी नहीं खेल पाओगे इनके जैसे। तो बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसा बता दो कि बस यार हम बन ही जाएं, राइज स्टार ही बन जाएं, MA10 ही बन जाएं, मतलब कुछ ऐसा ट्रिक बता दो भाई कैसे करते हैं सब। सो गाइस, सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर पहला पॉइंट ये है, गेम प्ले तो आपका होता ही है सब, मतलब गेम प्ले तो आपका मेन ही है, ठीक है। सबसे पहले तो गेम प्ले ही आता है, लेकिन उसके पहले भी कोई चीज़ आती है जो कि आपकी डिवाइस, ठीक है। सो गाइस, देखो बहुत सारे बंदे मुझे बोल रहे हैं भाई कुछ ऐसा ट्रिक बता दो। तो गाइस देखो, ट्रिक मैं आपको कुछ भी बता दूँ, ठीक है, ट्रिक मैं आपको कुछ भी बता दूं, अगर आपका डिवाइस अच्छा नहीं है तो आप जो कितना भी कोशिश कर लो आपका गेम प्ले अच्छा नहीं होगा। मान के चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं मतलब मान के चलो आप जो है 2GB रैम के फ़ोन में खेलते हो, आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, ऐसे ही मतलब नॉर्मल सा मोबाइल है, आप उसमें गेम खेलते हो, ठीक है। आप गेम खेल रहे हो गाइस, आप जो मान के चलो परगेटरी मैप लगा, ब्राजीलिया में उतरे। अब ब्राजीलिया आपको पता है, ब्राजीलिया में आपको पता है कितने सारे बंदे उतरते हैं एक साथ, कम से कम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे 10 से 15 बंदे जो वहीं पर ही मिल जाते हैं, मतलब एक प्रकार से मौत की नगरी है, जैसे कि मैं उसको पहले ही बोलता हूँ कि ब्राजीलिया जो है ना गाइस परगेटरी में, वो मौत की नगरी है, ठीक है। वहाँ पर मतलब आप गेम प्ले अच्छा है ना तो ही आप जो है बच सकते हो, गेम प्ले प्लस आपका डिवाइस अच्छा है तो ही आप बच सकते हो। अगर आप वहाँ पर उतर गए तो आपका जो गेम जो है ना गाइस अटक अटक के चलेगा, रुक रुक के चलेगा, ठीक है। मेरा खुद चलता है, मेरा 4GB रैम है फ़ोन का एंड 64GB रोम है, Vivo Y95 में यूज़ करता हूँ, लेकिन गाइस मेरा उतना हाई एंड डिवाइस नहीं है, लेकिन मेरा खुद गेम लैग करता है। कितना भी अच्छी लूट क्यों ना हो, कितना ही अच्छा गेम प्ले क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका डिवाइस साथ नहीं देगा ना, और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपका इंटरनेट। भाई साहब, अगर आपका इंटरनेट 500-600 का चल रहा है, कुछ भी कर लो आप जीत नहीं सकते हो, ठीक है। सो पहले पॉइंट्स तो यही है, अगर आपके साथ यही प्रॉब्लम है तो गाइस सिंपल सी बात है, आप जो है नहीं खेल पाओगे उनके जैसे। अब गाइस देखो क्या है कि उनके जैसे खेलने के लिए, अब देखो बहुत सारे बंदे ये भी बोलते हैं भाई ब्रोकन गेमिंग की तरह कैसे खेले। ब्रोकन गेमिंग हेड पे हेड मारता, बैक टू बैक हेड शॉट, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, कोई भी फाइट ले लो हेड पे हेड मारता है। गाइस क्या आपने कभी उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन करके देखी है, उसके PC की स्पेसिफिकेशंस कभी देखना, कौन सा प्रोसेसर है उसके PC में, कौन सा क्या है। भाई मतलब मेरे पास भी PC है, ठीक है, हाई एंड नहीं है, थोड़ा मतलब हाई एंड टाइप ही है, लेकिन उसमें गेम जो है मतलब मज़ा नहीं आता मेरे को खेलने में, उतना स्मूथ नहीं चलता है, ठीक है। सो ये है, अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार, आप खुद एक बार सोचो समझो डिवाइस कितना ज़्यादा मैटर करता है।
है प्लस इंटरनेट, आप अगर कहीं डिवाइस और इंटरनेट दोनों ही सही है ना, तो आप आराम से जो है राइस्टार MA10 किसी की भी तरह खेल सकते हो, सुदीप सरकार की तरह खेल सकते हो। मुश्किल नहीं है गाइस, प्रो प्लेयर बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अब गाइस ये तो बात हो गई हमारी डिवाइस की, चलो यार मान के चलो आपके पास डिवाइस अच्छा है, तो दूसरी बात क्या है गाइस? दूसरी बात ये है कि आपको जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मतलब टिप देता हूँ, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। गाइस मेरे पास लो एंड डिवाइस है, ठीक है, हाई एंड डिवाइस नहीं है मेरे पास, जिसमें मैं गेम खेलता हूँ लो एंड डिवाइस है, लेकिन फिर भी जो है मैं जो हूँ एकदम ओपी वाला गेम प्ले कर लेता हूँ। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फायर बटन को जो गाइस कभी भी मैं बढ़ा नहीं रखता हूँ, ठीक है, 50% से नीचे रहता है एंड 40% से ज़्यादा रहता है, मतलब 45-48 ऐसा करके मेरा जो है फायर बटन रहता है। अब फायर बटन को छोटा करने से मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी मैं ड्रैग मारता हूँ, ठीक है, ड्रैग मारता हूँ तो एकदम मतलब मज़ेदार तरीके से ड्रैग लगता है, बंदी खोपड़ी आउट हो जाती है, तो ड्रैग बहुत अच्छे तरीके से लगता है। दूसरी बात, सेंसिटिविटी फुल करके रखता हूँ, जनरल देखो पूरी फुल सेंसिटिविटी, अगर कहीं आप 2x का जो स्कोप होता है और 4x स्कोप होता है उसकी अगर कहीं आप जो है पूरी सेंसिटिविटी रखोगे, तो जब आप स्कोप ऑन करके मारोगे ना तो भी आपका अच्छा खासा ड्रैग लगेगा। स्कोप ऑन करके ड्रैग कैसे मारे उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट करके, ठीक है, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अब देखो गाइस दूसरी बात क्या है कि आपको अपनी शॉर्ट रेंज की जो फाइट जो है वो बिल्डअप करनी है। अब जो आपका फायर बटन है ना गाइस, फायर बटन पे जो आपको जो है बिल्कुल हाथ अपना जमाना होगा। शॉर्ट रेंज में ज़्यादातर बंदों के साथ ये होता है कि अगर कहीं वो MP40 चला रहे हैं, वो ड्रैग मारने की कोशिश करेंगे तो ड्रैग का तो उनको आदत है तो वो मार लेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई बंदा M10 चला रहा है तो उसको जो है टैप करके जो उसको अगर कहीं उसको चलाना है M10 को वन शॉट या टू शॉट में चलाना है, तो कभी कभी क्या होता है कि फायर बटन पर क्लिक नहीं होता, क्योंकि आपने फायर बटन को छोटा करके रखा है। तो पहली बात आपको ट्रेनिंग मोड में जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, जो भी आपके कस्टम एचिवेट है उस पर आपको फास्ट हैंड स्पीड आपकी बढ़ानी होगी। अगर आप अपनी हैंड स्पीड बढ़ा लोगे ना गाइस, गारंटी मैं ले रहा हूं आप जो है आराम से जो है MA10 एंड राइस्टार की तरह खेल पाओगे। एंड गाइस जो एक और बात है वो ये है कि आपकी डिसीजन मेकिंग हमेशा सही और फास्टेस्ट होनी चाहिए। आप देख लोगे, आप देखना अभी कभी राइस्टार या MA10 का आप कभी भी वीडियो देखोगे ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी एनिमी के ऊपर फायर किया, फायर करने के बाद ग्लोवल लगाएंगे, ग्लोवल लगाने के बाद क्विकली डिसीजन लेंगे। ये नहीं देखते वो कि भाई क्या होगा क्या नहीं, वो क्विकली डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं। अब गाइस यहां पर देखो पहली बात क्या है, मैं एक बात और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को जो गाइस अपने गेम प्ले पे ध्यान देना तो है, फुल ध्यान देना है। दूसरी बात आपको एक चीज पे और ध्यान देना है, एनिमी के माइंड पे, कि भाई एनिमी किस साइड से भागेगा और मेरे को किस साइड से जाना है उसको मारने के लिए। इसके लिए आप जो है शुरू में जो है एनिमी साइकोलॉजी जानने के लिए आप जो है मोको कैरेक्टर की एबिलिटी यूज कर सकते हो। शॉर्ट रेंज में अगर आप मोको कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे ना, तो क्या होगा कि एनिमी कहीं पे भी भागेगा तो आपको उसकी लोकेशन मिलती रहेगी। अगर आप फायर कर दो एक बार उसके ऊपर, तो 5-6 सेकंड के लिए जो आपको उसकी लोकेशन मिलती रहेगी। तो ये हो गई एक और बात, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, फायर बटन को छोटा कर लो, सेंसिटिविटी को फुल कर लो, आपकी जो है आराम से जो ड्रैग हेडशॉट लगने लगेंगे, शॉर्ट रेंज में आप ग्लोवल की स्पीड को बढ़ा लो, ठीक है, ग्लोवल की स्पीड को बढ़ा लो, पट्टे से जो गोली चलाओ, ग्लोवल लगाओ, ऐसे करके आप फाइट करो, आराम से खेल सकते हो। और वैसे कोई अलग से कोई ऐसी टिप नहीं है, सबसे बड़ी मेन टिप ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपके पास डिवाइस अच्छी है आप आराम से जो है उनकी तरह खेल सकते हो। तो यही कुछ सिंपल सी बातें थी गाइस इस वीडियो में, बस आपसे लोगों को यही कुछ सिंपल बातें बताना चाहता था। और अगर कि आप जो कुछ स्पेशली टिप्स एंड ट्रिक्स चाहते हो कि भाई आप जो कुछ स्पेशली टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आओ जो ये लोग फॉलो करते हैं विद एग्जांपल वीडियोस, तो यस गाइस मैं आराम से वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप लोगों को यही आज के इस वीडियो में समझाना चाहता था कि आपको जो है यही कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं, ठीक है। मेन बात ये आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास गाइस डिवाइस अच्छा नहीं है तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर आपका इंटरनेट खराब है, इंटरनेट आपका बेकार चल रहा है, ठीक है, या डिवाइस आपका लैग कर रहा है, सामने वाले बंदे का एकदम मतलब मान के चलो एकदम ओपी वाला डिवाइस है, गेमिंग डिवाइस में खेल रहा है, वाईफाई से उसका इंटरनेट कनेक्टेड है, 100 MBPS/s की स्पीड है, आप क्या कर लोगे गाइस, आप कैसे मार पाओगे? आप पहले भी फायर करोगे ना गाइस तो, और अगर कि सामने वाला बंदा आपके बाद में भी आपके ऊपर फायर करेगा ना, तो वो बंदा जीत जाएगा, आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपका पिंग हाई रहेगा, तो आपका गोली आप एनिमी पे मार रहे हो लेकिन गोली कहीं और पे लगेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है ये सब बातें समझ गए होगे, और अगर कि समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर कहीं नहीं समझे हो तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, ठीक है। एंड गाइस एक बात और आपसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से हमको 100K करने हैं। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 100K करवा दो यार, बहुत नज़दीक हो गए अभी हम 100K के, ठीक है।
तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही था। एंड गाइस रूटर ऐप पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है? अपने भाई को फॉलो नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? जल्दी से फॉलो कर लेना, हम जो गिव अवे स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द, ठीक है? तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।